मैं इस वक्त दावत दूंगा हमाद अजहर साहब को हमारा कि देख हमारा दर्द पार कर बिकॉज़ ही डिस्कनेक्टिंग एंड डिस्कनेक्टिंग उनका आवाज नहीं आ रही है किसी की भी ना उनको तस्वीर जा रही है इफ यू कैन गाइड दिस कॉल। तो जो हमाद अजहर साहब अभी आएंगे वो इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे कुछ चीजें, लेकिन जो नटशेल में जो पीएमएल ने आज कहने की कोशिश की है कि उनके दौर में जो इकॉनमी थी वो 3.7 से तजावज करके 5.8, हालांकि ये डिबेटेबल है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं 5.5 थी, चले 5.5 या 5.8 जो है वो ग्रो की, और पीटीआई की हुकूमत में वही जो ग्रोथ रेट है वो नीचे आया और वो -0.5% हो गया। तो ये उन्होंने पीटीआई की हुकूमत पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनाया और कहा कि ये इनकी इनकॉम्पिटेंट इकोनॉमिक जो वो है मैनेजमेंट की वजह से है। तो अगर देखा जाए तो ये क्या वजह थी कि ये इकोनॉमी जो है जो 5.5-5.8% पे जिन्होंने कहा था हमने छोड़ी और वो नीचे गिर के 0.5% पे हो गई पिछले साल। तो पहले तो ये देखा जाए कि इनकी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो किस बेसिस पे हुई। वो टोटल जो डिमांड इन्होंने क्रिएट की वो बोरिंग से क्रिएट की, कर्जे लेके क्रिएट की, कोई इसमें कोई इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इनका जो रेवेन्यू है वो ग्रो किया तकरीबन 2% से या 2.5% से ओवर 5 ईयर्स, तो कोई ऐसी चीज नहीं थी, सिर्फ ये डेट जिसको लेके इन्होंने ग्रोथ दिखाई और इसको इकॉनमी को हीट अप कर दिया। और जब हीट अप किया तो 2018 के बीच में, इन सबको मालूम है कि इन्होंने ये आर्टिफिशियली जो है जो रुपए को मजबूत रखा और या ओवर वैल्यूड रखा, उससे $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, $20 बिलियन का। ये खुद इसको ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो हमारे से ये गलती हुई है। और उसको जब कौन पूरा करता भाई, ये $20 बिलियन क्या हमने ये डॉलरों की यहाँ मशीन लगाई हुई है, तो उसके लिए हमें जाके कहीं से ये पैसे लेने थे। तो वो पैसे किससे लेने थे? आईएमएफ से लेने थे। आईएमएफ ने जाके हार्श कंडीशनैलिटीज डाल दी, बिकॉज जाहिर है उन्होंने अगर $20 बिलियन हमें देना है तो उन्होंने फ्रंट लोड कर दिया चीजों को, टैरिफ को इंक्रीज कर दिया, उन्होंने डिवैल्यूएशन की बात की बिकॉज हमारा ओवर वैल्यू रुपी, उन्होंने कहा गैस चार्ज ये बढ़ा दो। ये सारी चीजों से क्या हुआ, डिमांड जो है उसको उन्होंने निकालना था मार्केट इकोनॉमी से। जब डिमांड जब निकलती है तो इकोनॉमी नीचे जाती है। ये बाकी डार साहब को इस इकोनॉमिक्स का पता ना हो, बट दुनिया की इकोनॉमिक्स को ये मालूम है कि जब आईएमएफ आता है वो आपकी ग्रोथ को निकालता है बीच में से। तो डार साहब ने जो माशाल्लाह, और ये सारे नून लीग वाले भी अंदर से इनको मालूम है कि डार साहब ने उनकी उनकी इकोनॉमी के साथ क्या ने हशर किया, तो वो जो छोड़ के गए तो वो फिर किसने भुगता? पीटीआई की हुकूमत ने भुगता। देखें इमरान खान को आप क्रेडिट दें, उसने ये हिट्स ली पॉलिटिकल जो जिसकी आप कहते हैं जो उसकी हिट्स ली और चीजों को एक स्टेबलाइज करने की कोशिश की। सोने पे सुहागा कोविड हो गया, और कोविड के बावजूद आप अगर देखें कि उस चीज को संभाला गया, आई थिंक कोविड को जिस तरीके से इस हुकूमत ने संभाला है किसी और हुकूमत ने नहीं संभाला, इस एरिया में तो कभी किसी ने नहीं संभाला, तो उसमें इस कंसोलिडेशन भी हुई और अब 4% की ग्रोथ रेट भी है। और ये ग्रोथ रेट आप देखेंगे पिछले 5-6 महीनों में इसने एक्सेलरेट किया, इसका मतलब ये ग्रोथ रेट ऊपर जा रही है। और ये ग्रोथ हम देख रहे हैं अगले साल 5%, उससे अगले साल 6% की ग्रोथ रेट हो। सो जब ये बात करते हैं कि हम कितने पे छोड़ गए थे और कितने पे नहीं छोड़ गए थे, तो इनकी जो कोताही है, मैं चाहूंगा कि हमाद अजहर साहब उसके बारे में 2-4 लफ्ज कहें प्लीज। हमाद साहब थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इनका जो सेमिनार था पिछले साल भी इन्होंने किया और इसी तरह सिलेक्टिव डेटा इस्तेमाल किया गया, नंबर्स को मैनिपुलेट किया गया, लोगों की आंखों में धूल झोंकने की एक नाकाम कोशिश की गई। और आज मैं तो हैरान हूं कि ये जो टीम जो आज कर रही थी ये वही टीम है जो मुल्क को डिफॉल्ट के करीब लाके छोड़ी थी, जिसने मुल्क को डिफॉल्ट के करीब लाके छोड़ा था। और जिस अपनी ग्रोथ के ये चर्चे करते हैं, उस ग्रोथ के दौरान जब वो ग्रोथ हो रही थी
तो इंटरनेशनल इदारे जैसे फिच है और मूडीज है, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को डाउनग्रेड कर दिया था। और इनके दौरे हुकूमत में ही, जब ये अभी इनकी हुकूमत चल रही थी और अभी नई हुकूमत नहीं आई थी, तो इन्होंने आवाजें लगानी शुरू कर दी थी कि जो भी नई हुकूमत आएगी उसको IMF के पास जाना पड़ेगा। भाई अगर आपकी इतनी कॉम्पिटेंट टीम है, अगर आपके इतने ही उम्दा लोग थे, तो ये फिर क्यों IMF के पास जाने की आप ही के दौर में बातें शुरू हो गई थी और क्यों बैनुल अक़वामी इदारों ने कर दिया? बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान की मईशत को जिस तरह तबाह किया गया, जिस तरह शौकत तरीन साहब ने कहा कि 20 अरब डॉलर का पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट था, इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के आखिरी 17 माह में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को तकरीबन आधा किया गया, जो बच गए थे वो शॉर्ट टर्म स्वॉप्स लिए गए, यानी कि उनका भी सौदा कर दिया गया था। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनकी जो डेट सर्विसिंग थी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब मुस्लिम लीग नून आई, तो 3-4 अरब डॉलर बाकी दुनिया को वापस करने पड़ते थे और सर्विस करने पड़ते थे। इनके दौर जब खत्म हुआ तो 10 अरब डॉलर वापस करने पड़ते थे और सर्विस करने पड़ते थे, और महंगी कमर्शियल डेट के सर पे और खसारों के सर पे अपनी ग्रोथ को खड़ा किया गया। और मैं आज ये भी मैं बड़ा हैरान हूँ कि आज एक जो साहिबा जो कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनके तो अपने शोहर जो कि एक बड़े मायानाज इकोनॉमिस्ट हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मुस्लिम लीग नून के दौर में नंबर्स को भी ओवरस्टेट किया गया और इनके दौर में गुर्बत भी बढ़ी, बेरोजगारी भी बढ़ी, तो उन्होंने कहा। तो क्या अब आप उसके बिल्कुल मुख्तलिफ बात आपने शुरू कर दी बिल्कुल कोई बगैर किसी जिम्मेदारी के, और जिस तरह का डेटा प्रेजेंट किया गया उसकी कोई ना शक्ल थी ना उसका सिलेक्टिव डेटा। एक्सपोर्ट्स अगर आप देखें, 5 साल में इनके दौर में एक्सपोर्ट्स जो है वो नीचे चली गई, और कोई सोच नहीं सकता था कि इतनी जो फ्रेजाइल पोजिशन थी, पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब था जब इमरान खान को हुकूमत मिली, तो सिर्फ 2.5 साल के बाद आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे और ये ऐलान कर रहे होंगे कि ग्रोथ वापस 4% पे आ गई है कोविड के बावजूद। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो 2016 से अब तक की बुलंदतरीन सतह पे हैं, और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो मुल्क की तारीख की बुलंदतरीन सतह पे था वो अब अल्हम्दुलिल्लाह सरप्लस में है। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 9% और उसके बाद इंशाल्लाह हो सकता है 14% पे ग्रो करे। आपकी रेमिटेंसेज हाईएस्ट हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आप टैक्स रेवेन्यू के अपने तमाम हदफ मीट कर रहे हैं। माना ये हम समझते हैं कि जो इस वक्त महंगाई पूरी दुनिया में खाने पीने की अशिया में महंगाई जो है वो उसकी लपेट में है जिसका हम मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सारी दुनिया में ये तारीफ भी हो रही है कि जहां पे हमारे हमसाया मुल्क 7-8% से सुकड़ रहे हैं, जहां कोविड ने तबाही मचा दी है, वहां पे हम 4-4.5% या शायद इससे भी ज्यादा पे हम इस साल ग्रो करेंगे, अगले साल 5%। और जिस तरह शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि रोशन इम्कान है कि अपने आखिरी साल जो हमारा 2023 का होगा फाइनेंशियल ईयर, उसमें हम 6% तक जाएंगे। बाकी ये साफ जाहिर है कि जो ऑपोजिशन है वो बौखलाहट का शिकार है, उनको ये अच्छे इकोनॉमिक नंबर्स जो है वो हजम नहीं हो रहे। जितनी उन्होंने तबाही छोड़ी थी शायद वो ये समझते थे कि इस तबाही के बाद दोबारा कोई भी हुकूमत आएगी तो वो इस तबाही की लहर में बह जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारा साथ दिया, हमारी नीयत साफ थी, और एक बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट के जरिए मुल्क को स्टेबलाइज किया गया, इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया गया, ग्रोथ की पाथ के ऊपर लाया गया, सस्टेनेबल ग्रोथ, वो ग्रोथ नहीं जो खसारों के सर पे होती है, वो ग्रोथ नहीं। अब आप देखें कि हमारे बैरूनी कर्जे बढ़ने की रफ्तार इस साल सिर्फ 3.5 अरब डॉलर के करीब है, जो कि शायद 6 साल के बाद की कम तरीन सतह पे है। ये जब छोड़ के गए थे तो 12 अरब डॉलर सालाना बैरूनी कर्जा बढ़ा था, आज वो 3.5 अरब डॉलर पे फिगर आ गई है। तो ये जो इतने सारे अच्छे इशारे हैं, मेरा ख्याल है कि हर मुहिब वतन पाकिस्तानी से खुश होएगा, मईशत का पहिया चल रहा है, रोजगार पैदा हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ रहे हैं हमारे, और हमारे मुल्क के जो में रोजगार के अलावा जो हमारी मईशत के अगले इम्कान हैं 5% और 6% वो भी बहुत रोशन है। इसे सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन की तरफ बैठे हो या हुकूमत की। शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ावा दूंगा कि देखिए हम जी पॉजिटिव सोच रखने वाले हैं, ये हुकूमत पॉजिटिव सोच रखती है कि इसके बाद क्या होगा, हम अब क्या करने जा रहे हैं, क्या जो इन्होंने तबाही के किनारे पे हमें छोड़ा था तब क्या हम अगले 2 सालों में क्या करेंगे, जिसके बाद जो भी हुकूमत आएगी वो क्या क्या देखेगी, अवाम क्या देखेगा। हमने इस वक्त प्लान बनाया शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म, और उसमें ये है कि भाई हम क्या करेंगे। इनकी जो लैक ऑफ प्लानिंग थी पावर सेक्टर में ही देख लें, अब उठा के हम वो जो हम कैपेसिटी पेमेंट दे दे के थक रहे हैं, क्योंकि इन्होंने प्लानिंग नहीं की थी, और जो जो पावर थी वो जो शॉर्ट तो थी लेकिन उससे कहीं ज्यादा लगा दी इन्होंने। तो हम अभी फोकस करें कि हम इसको अब इकॉनमी को जो है स्टेबलाइजेशन से लेके
हम एक किस्म से ग्रोथ मोड में लेके जाएं, इसको बढ़ावा दे। और उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कि हम अपने जो रेवेन्यूज हैं वो 20% हर साल बढ़ाएंगे। तो हमारा ख्याल यह है कि हमारे ये जो रेवेन्यूज हैं ये इंशाल्लाह अगले 2 सालों में 7 ट्रिलियन से भी ऊपर हो जाएंगे। और ये इसका मतलब है, ये इन्होंने तो अपने वक्त के बीच में ये देखी नहीं थी, ना कोविड देखी थी ना इन्होंने IMF का प्रोग्राम इतना सख्त देखा था। हम इन्होंने बड़ा ही अपना वो कहा, मतलब अपने अपने ऊपर ये कहा कि हमने डबल कर दिए। तो हम विदाउट विद द कोविड विद द IMF प्रोग्राम हम इन रेवेन्यूज को डबल करेंगे, यू नो बाय एंड ऑफ आवर टेन्योर। उसके बाद अगर आप देखें तो हम जो है टैक्स बेस के ऊपर टैक्स पे टैक्स नहीं लगाएंगे, हम बेसिकली टैक्स बेस को बढ़ाएंगे, हम उसको ब्रॉडन करेंगे और टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और हरासमेंट जो FBR के खत्म करेंगे। अब वो कोई FBR वाला हरास नहीं कर सकेगा। PSDP को 38% बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे कि हम इंसेंटिव देंगे, आप इस बजट में देखेंगे एग्रीकल्चर को इंसेंटिव देंगे, एक्सपोर्ट्स को देंगे, इंडस्ट्री को देंगे, IT को देंगे। और ये जो अभी ये जो हमारे ऊपर ये छोड़ के गए हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का बोझ, और मुझे याद है कि मुझे मियां साहब ने कहा था कि यार इसके मुतालिक जरा हमें कुछ दें, और मैंने इनको एक सोल्यूशन दिया था 2013 में, और ये भाई साहब जो जुबैर साहब थे और डार साहब है जिन्होंने रद्द कर दिया था, और उन्होंने कहा था 30 यूनिट्स हम जो है वो 2 साल में प्राइवेटाइज कर देंगे। वो एक भी नहीं प्राइवेटाइज हुआ और इसके बाद लॉसेज जो बढ़ गए। अब हम वो करके दिखाएंगे, इंशाल्लाह हम प्रोसेस शुरू करेंगे रिस्ट्रक्चरिंग का और फिर प्राइवेटाइजेशन का। हमने बहुत ही उस एक जो चीज करनी है और वो इम्पोर्टेंट चीज है जो किसी ने नहीं की अभी तक इस पिछले 30-35 साल में, मेरे ख्याल में उससे भी ज्यादा, कि हमने इंतजार नहीं करना ट्रिकल डाउन का, कि ट्रिकल डाउन का इफेक्ट आएगा और गरीब जो है गुर्बत से निकलेगा। हमने बॉटम्स अप अप्रोच करनी है। हमने नीचे 4 से 6 मिलियन हाउस होल्ड जो है उनको हमने घर देना है। हम घर गृहस्थी के लिए उनको बिजनेस के लिए पैसे देंगे, हम उनको हेल्थ कार्ड देंगे और उनके हर एक खानदान में एक बंदे को टेक्निकल ट्रेनिंग देंगे, ताकि एक सोशल नेटवर्क हम मतलब वेलफेयर नेटवर्क क्रिएट। मुदेने की रियासत में क्या था, वेलफेयर एंड इंसाफ, हम वो देंगे। और ये पहली दफा होगा आप देखेंगे हम कर रहे होंगे। तो उसके बाद जब हम ये कर चुकेंगे तो आप देखेंगे 2022-23 के बीच में ना सिर्फ के ग्रोथ ज्यादा होगी लेकिन ये इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, ये सबके लिए होगी, ये गरीबों के लिए होगी, लोअर मिडिल क्लास के लिए होगी। और हम ये चाहते हैं कि ये जो हो सस्टेनेबल हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो। तो आप खुसरो साहब कुछ कहना चाहेंगे? दूसरा आपको ये भी देखना है कि इन्होंने जो ग्रोथ शो की है वो क्या है, वो इंपोर्ट ड्रिवन और बोरोड पैसे की ग्रोथ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तकरीबन डिफॉल्ट के दहाने पे आ चुका था। असल डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी देखें तो क्रॉप सेक्टर ज़राअत का 0.5% 5 साल में उसमें ग्रोथ है, जहां सबसे ज्यादा आपकी लोग लेबर इंगेज होती है। सेकेंडली दो फिगर्स जो उन्होंने दिए हैं फिगर्स शुरू के, पर कैपिटा इनकम और GDP का जो हम जो डॉलर में बताया है, मैं जो चेहरे देख रहा हूँ यहाँ बैठे हुए, आपको पता है कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रुपए और डॉलर का जो था वो 40% मस्नूई था। अगर वो आप इनबिल्ट कर ले तो इनका जो GDP का साइज जो ये 313 कह रहे थे पहले साल में वो 261 है असल में। और इसी तरह ही आपकी फीकस आमदन, जिसको ये ज्यादा इन्होंने पहले ही जो इन्होंने शो किया ग्राफ में, अगर असल डॉलर पे लग रखेंगे तो वो भी नीचे आएगी। तो इस तरह के मस्नूई फिगर देने से मेरे नजदीक इल्म और मईशत पे नजर रखने वाले जो माहिरीन हैं वो धोखा नहीं खाएंगे इनकी बातों से। शुक्रिया जी। अब कोई सवाल अगर हो तो प्लीज। ये हम PID से शुरू करते हैं सर। ये PID सेंटर, प्रेस सेंटर से उमर हयात साहब की तरफ से पहला सवाल। जी सर, शौकत तरीन साहब, मेरा सवाल आपसे है कि जो नया बजट आप पेश करने जा रहे हैं उसमें आप ये कह रहे हैं कि जो तकरीबन टैक्स रेवेन्यू टारगेट है वो 5,800 से जायद जो है वो रखा जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि नया टैक्स भी कोई नहीं लगेगा, तो ये मुझे बताएं कि वो कौन सा मैकेनिज्म होगा
कि जिसकी वजह से आप 5,829 अरब रुपए का टारगेट अचीव करेंगे, और दूसरा बजट का जो हजम है वो कितना होगा ये भी जरा बता दीजिएगा। देखिए जी, मैं तो आपको ये सारे फिगर जो अगर बता दूं तो फिर बजट स्पीच में मैं क्या कहूंगा, लेकिन खैर आपका मालूम, आपको ये खबर आपकी सही है कि हम इस दफा कोई तकरीबन 4,700 कुछ बिलियन का हमारा इस वक्त का इस दफा का हमारा जो है हदफ हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे, और अगले साल हमारा टारगेट है 5.8 ट्रिलियन रुपीज। क्यों कैसे करेंगे, देखें 13% तो हमारा इन्फ्लेशन और प्लस ग्रोथ आएगा, बाकी हमने जो है ब्रॉडन करना है, हमने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके रिटेल सेक्टर और आपकी जो इनकम टैक्स जो है उसके अंदर लोगों को लेके आना है, और ये जिद्दत जो है आप देखेंगे हम जिस तरीके जब पेश करेंगे बजट में तो वो ज्यादातर वही नंबर्स हैं हमारे। तो टैक्स के ऊपर जिस तरह IMF ने हमें कहा था कि टैक्स जो आप इंक्रीज करें 140 बिलियन का, उसमें हम बिल्कुल नहीं कर रहे, एक जो उसमें एग्जेम्पशन हैं वो भी उन्होंने बहुत कही थी, और उसमें से चंद एग्जेम्पशन होंगी जो हमारे काल में बिल्कुल दुरुस्त हैं वो हम बीच में निकालेंगे। तो आप जरा देखेंगे कि हम ये नंबर्स बैक करेंगे विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, हम ये नहीं है कि ये बिल्कुल हवाई नंबर होंगे। तो ये अभी लोगों के जहन में ये है कि 200-300 बिलियन जो है ये एडिशनैलिटी कहाँ से आएगी, तो ये हम आपको पूरी तरीके से इसके साथ बताएंगे कि किस तरीके से आएगी। इस वक्त बजट को आने दें, इंशाल्लाह उसके बाद आपके ये सवाल पूरे हो जाएंगे। जी नेक्स्ट त्रिन साहब, सलाम अलैकुम। जी जी बोले। मैं मुश्ताक गुमन बात कर रहा हूँ जी, बिजनेस पार्टनर से। मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि एक नेशनल डेट कमीशन बना था, उसकी क्या रिपोर्ट आई है, उसका क्या बना है, और दूसरा ये खुसरो बख्तियार साहब के जिम्मे भी एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने लगाया था कि जो कोई बाहर से असिस्टेंस मिली हुई है पिछले 5 साल के अंदर, उसका भी ऑडिट कराएं। और इन्होंने ये कहा था कि जी वो तो जो देने वाले हैं जो डोनर्स हैं वो नाराज हो जाएंगे, तो उसका क्या बना, ये दो चीजें थी, इसका बताइए सर। देखें एक तो चीज है, मैं आपको पहला वाला सवाल का जवाब दे दूंगा, दूसरा मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है नून लीग की उसके ऊपर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप उसके रिलेटेड हमारे से सवाल पूछ लें। ये जो आप पूछ रहे हैं ये तो आप बजट की तरफ चल पड़े। चलें जी, मैं आपको ये नेशनल टैरिफ कमीशन जो है इज वर्किंग वेरी क्लोजली विद FBR, उसके मोस्ट ऑफ दी जो उन्होंने बल्कि आई वुड से कि मोर देन मेजॉरिटी जो है वो उन्होंने उनके जो वो है वो पूरे कर दी हैं। तो हम और मैंने पता नहीं कितने किए अपना ये मीटिंग, और जो डेट कमीशन का जो है उसके बारे में अभी तक जो रिपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से आई नहीं है, वो जैसे आएगी तो इंशाल्लाह वो भी आपके सामने। तो टैरिफ कमीशन की हम पूरी रिपोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, डेट कमीशन की जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर हम काम करेंगे। जी जी, मेरा नाम तनवीर हाशमी है और मैं रोजनामा जंग से हूँ। मिनिस्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नून लीग के बारे में जो उन्होंने वो इदादो शुमार बता रहे हैं, और ये बताया जो आप जो कह रहे हैं कि उनके जो GDP थी और बाकी जो फिगर्स थे वो तमाम मसनू थे, तो उनके मसनू जो फिगर्स थे और जो फंडिंग की गई, इसमें डेफिनेटली ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व होगी और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, तो क्या ऐसा नहीं है कि हुकूमत इसकी तहकीकात करे और ये बताए कि असल GDP की फिगर्स क्या थी और कहां कहां पर फंडिंग की गई और गलत इदादो शुमार बताए गए और ये कौम के सामने लेके आया जाए। देखें, इसको किसी ने नहीं कहा आपको कि हम ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे कि जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं उनके नंबर दिए हैं वो मसनूई हैं। हम आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से इन फिगर्स को अचीव किया वो जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस पे नहीं है। मतलब अगर आप उठा के एक एक्सचेंज रेट को मसनूई तरीके से ओवर वैल्यू करके रख देते हैं और GDP ग्रोथ ऊपर लेके चले जाते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में आपको पेश आते हैं $20 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट में, तो वो तरीका का ठीक नहीं है ना। नंबर्स तो वही बता रहे हैं ना जो फिगर हैं, लेकिन असल जो तरीका कार है उसी की बात है। हमने ये नहीं कहा कि PBS ने फज किए हैं कोई नंबर्स, व्हाट वी आर सेइंग कि जो बेसिस उनका है जिस तरीके से उन्होंने अचीव किए हैं वो आपके सामने। जी और इसमें ये भी अर्ज करना चाहूँ कि इसी चीज को देखते हुए PTI की हुकूमत ही है जिसने फैसला किया कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स या स्टेटिस्टिक्स डिवीजन को फाइनेंस से निकालकर प्लानिंग के नीचे दे दिया,
और जो वाहिद हुकूमत है जिसने अपने फिगर्स को डाउनवर्ड भी रिवाइज किया ताकि जो डेटा है हकीकत का वो हकीकत पर मबनी वही आवाम के सामने रखा जाए। किसी हकूमत ने अपनी ग्रोथ को प्रोविजनल को डाउनवर्ड रिवाइज नहीं किया फाइनल ग्रोथ से, तो ये सच बोलने की भी इसी हकूमत में जुर्रत रही। और मैं साथ ये भी कहूं कि जिन फिगर्स की हम बात कर रहे हैं हमने तो कोट किया है एक इकोनॉमिस्ट को जिसकी इन लोगों ने कुछ फिगर्स इस्तेमाल की हैं सेलेक्टिवली, उन्हीं इकोनॉमिस्ट ने जो नून लीग के बारे में जो फिगर्स दी थी वो इन्होंने इस्तेमाल नहीं की या उनके बारे में जो कमेंट्री की थी। हम तो अपनी जो फिगर्स हैं उनके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस है उनकी इंडिपेंडेंस पे और ट्रांसपेरेंसी पे, और मैं समझता हूँ वैसे भी ये डिबेट तो अब इतनी रही नहीं क्योंकि आप तो बहुत जो सब लोग ही तकरीबन ये कह रहे हैं कि शायद ये नंबर जो है जो 3.94 का ये भी शायद एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, जब LSM का नया नंबर आएगा तो ये भी मजीद अपवर्ड्स रिवाइज हो जाएगा। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तो ये जो डेट सर्विसिंग जो आपके बजट पे मेजर बर्डन है, ये तो आपके दो ऐसे डिसीजन थे पॉलिसी डिसीजन जिनकी वजह से बहुत ज्यादा मैसिवली इंक्रीज हुआ। एक तो आपका इन्फ्लेशन जो एक्सचेंज रेट गया और दूसरा डिस्काउंट रेट। सेकंडली सर ये बताइएगा कि आपने लास्ट ईयर का जो ग्रोथ का फिगर था 3.3 से 1.8% उसको डाउनवर्ड रिवाइज किया, उसके हवाले से कोई डिटेल नहीं आई सर अभी तक। अच्छा जी, पहले वाला आपका सवाल जो था वो जी वो देखें डिस्काउंट रेट और डिवैल्यूएशन, एक दफा जब एक चीज को आप एक साइड पे खींचते हैं तो जब उसको रिलीज करते हैं तो वो दूसरी साइड पे जाते हैं पेंडुलम। तो ये जो ओवर रिएक्शन हुआ डिवैल्यूएशन के ऊपर IMF का, वो जाहिर है इस चीज पे था कि आपने रुपए को बांध के रखा हुआ था और वो चाह रहे थे कि उसमें से स्टीम निकाली जाए, वो कब दूसरी साइड पे लेके चले गए और आप वो स्टेबल हो गया 154-155 के ऊपर। दूसरी जगह आपके जो आप सही कह रहे हैं डिस्काउंट रेट जो है वो बड़ी वो तो मतलब IMF ने हमारे साथ ज्यादती की है जो 13.25 के ऊपर लेके चले गए, बट हम क्या करते, देयर वाज अ गन टू आवर हेड। वो उन्होंने कहा भाई अगर पैसे लेने तो ये करना पड़ेगा आपको, और इसके ऊपर बहुत बहस की हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स ने, बट दे हैड टू एक्सीड टू देयर यू नो डिमांड, और ये फ्रंट लोडेड था। सो अगर आप ये चाहते कि हम कहते कि हाँ नहीं हम नहीं करते, वो कहते जाओ भाग जाओ, अगर भाग जाओ तो हमारे पास $20 billion थे उस वक्त। तो ये तो देखें, और जैसे ही वो वक्त आया कि हमारी जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है जिसमें आप कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं स्टेबलाइज हुए तो वो रेट्स जो है वो नीचे आ गए हैं 7% पे आ गए हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि उसकी वजह से हमारी डेट सर्विसिंग है वो बढ़ गई है और अब हम चाह रहे हैं कि इसको कम से कम स्टेबलाइज किया जाए। शौके साहब आपने फरमाया कि जो PMLN की ग्रोथ है वो बोरिंग से हुई है, PMLN ने 5 साल में 10,000 अरब कर्जा लिया, PTI की हुकूमत ने तकरीबन 3 साल में 13,000 अरब कर्जा लिया, एक इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर जो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो है, PMLN के दौर में भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, PTI के मुसलसल तीनों सालों में इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो डिक्लाइन पे है, आप एदादोशुमार चेक कर लें। तो फिर आपकी और जो PMLN की पॉलिसीज हैं क्या एक जैसी नहीं है, दोनों फिर बॉर्विंग लेट ग्रोथ है, नंबर वन। दूसरा सवाल, नंबर वन नहीं सॉरी शहबाज, आपने दो सवाल इसमें पूछ लिए हैं, आप फिर नंबर टू पे जा रहे हैं, तो आप इतनी ज्यादा ना करें हमारे साथ, मैं भी आपको उसका जवाब दे देता हूँ। तो आपने कहा कि पहले कि जी आपके जो डेट है वगैरह, अरे भाई मैंने अगर 1500 अरब रुपए का मेरा हर साल डेट, मेरा डेट सर्विसिंग ज्यादा होगी और वो इसलिए होगी कि मेरा डिस्काउंट रेट बढ़ गया है 13.25 हो गया है, तो आप उसको जरा ऐड कर लेना, तो वो वही जो है 3 साल के भी में 500 अरब तो वही हो जाता है। वो तोहफा किसने दिया हमें, वो तोहफा दिया PML हुकूमत ने कि हम IMF में गया और उन्होंने उठा के 13.25% कर दिया, तो द वेरी फैक्ट वो तो वैसे ही है। दूसरी चीज जो आप बात कर रहे हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो गई, तो बिल्कुल आप ठीक करें अभी गई है, लेकिन आप देखेंगे इंशाल्लाह ऊपर जाएगी, लेकिन क्या कोविड में डिप्रेस्ड इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट रेट नीचे जाता है या ऊपर जाता है? तो ओ नीचे नीचे जाता है मेरे भाई, तो ये भी जरा आप जरा देख लें। ठीक है जी, नेक्स्ट आएंगी प्लीज। सर मेरा सवाल ये है कि PMLN के जो सेमिनार था
उसमें उन्होंने कहा जी कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ है आपके दौर में, तो एक तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। दूसरा सर इसी से रिलेटेड, आप आईएमएफ के बारे में कह रहे हैं जी कि हम नंबर्स से बजट में आपको दिखा देंगे, लेकिन सर वो हार्ड कोर नंबर्स पे बात करेंगे आपसे, तो कहीं आईएमएफ का प्रोग्राम सस्पेंशन की तरफ तो नहीं बढ़ रहा सर? पहले आपको दूसरा सवाल का जवाब दे देता हूँ, बिल्कुल सस्पेंशन की तरफ नहीं जा रहा। देखें जी हमने आईएमएफ को क्या कहा है, हमने आईएमएफ को कहा है देखें इस वक्त आप टैरिफ इंक्रीज करेंगे, गरीबों के ऊपर और बोझ डालेंगे, और ये तरीका ये इस हुकूमत और डेफिनेटली इमरान खान जो है वो नहीं चाहता, तो हम उनको अल्टरनेटिव देंगे। वो क्या चाहते हैं, वो ये चाह रहे हैं कि सर्कुलर डेट जो है ना बढ़े और वो बेसिकली कम होना शुरू हो, हम उनको अल्टरनेटिव देंगे जिसकी वजह से वो नहीं बढ़ेगा और हो सके इंशाल्लाह कम भी होगा। और पहली चीज क्या कही थी इन्होंने, पहली मेहताब का कहा था मेहताब जी, हाँ पॉवर्टी, यार पॉवर्टी मुझे ये बताओ कि जब एक इकॉनमी को आप बिल्कुल बिल्कुल जब उसकी ग्रोथ खत्म करते हो और फिर कोविड हो जाता है और कोविड में लॉकडाउन हो जाते हैं, तो पॉवर्टी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और सो आप, हमने रिलीफ दिया सबको, हमने ये किया, लेकिन देखो मेहताब यहाँ हम यहाँ नहीं छोड़ के जा रहे, इनकी जो पॉवर्टी रेट्स हैं इनकी इनकी सो कॉल्ड ग्रोथ में इनके पॉवर्टी रेट 10-20% जरूर कम हुए होंगे। हम तो आपको कह रहे हैं कि हम पॉवर्टी को अटैक करेंगे, हम सीधा जो लोअर 4 मिलियन हाउस होल्ड है उनको जाके घर देंगे, उनको घर गृहस्थी के लिए ये नो बिजनेस के लिए पैसे देंगे, उनको शेयर कार्ड देंगे, तो हम तो इसको बिल्कुल जड़ से फेंट देंगे। सो द वेरी फैक्ट इज ये हमारा डिफरेंस है, वी आर गोइंग टू अटैक पॉवर्टी एंड यू विल सी इन 2-3 years द डिफरेंस। ओके सर, इमरान सुल्तान रहे हैं वो मेरे पास में अपनी जेब से हाथ उठाए हुए हैं। जवाब देना चाहूंगा पॉवर्टी के नंबर्स के ऊपर जो इन्होंने दिए, ये पिछले 2.5 साल से हम देखते हैं कि हर 2-3 महीने के बाद एक नंबर सामने आ जाता है, कभी 50 लाख अनएम्प्लॉयमेंट, कभी 1 करोड़ पॉवर्टी का नंबर। हमें आज तक नहीं पता लगा कि इसके पीछे कौन सा लेबर फोर्स सर्वे मौजूद है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, उसमें क्या इलास्टिसिटीज को अज्यूम किया जाता है, आज तक हमें नहीं बताया जाता। बस नून लीग की तरफ से एक आवाज उठती है कि इतने करोड़ बेरोजगार हो गए, इतने करोड़ हो गए, ये नंबर्स जो है हम इनके ना हकीकत है, और ये नंबर्स जो यहाँ पे बीट रिपोर्टर्स इकोनॉमी के बैठे इन सबको पता है कि ये नंबर्स ऐसे हो भी नहीं सकते। जब आपकी इकोनॉमी जो है वो 4% पे ग्रो कर रही है, आपकी LSM जो है वो जॉब क्रिएशन का जो मेन इंजन है वो 9-10% पे ग्रो कर रहा है, आपकी ज़राअत जो है उसमें बेस्ट आपका क्रॉप आ रहा है, वीट का शुगर का रिकॉर्ड क्रॉप आ रहा है, फार्मर्स की इनकम्स बढ़ रही है, तो ये नंबर्स ऐसे नहीं है, ये एक जाली नंबर्स हैं जो ये अपनी तरफ से लेके आते हैं। इसमें जो आखिरी अनएम्प्लॉयमेंट का सर्वे, यार मेरे ख्याल में इमरान सुल्तान बड़ी देर से बैठा हुआ है जी, 2015-16 का। मेरे एक छोटा सा सवाल है कि हमें ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात बड़ी कही थी कि जो कर्जे हैं वो 6,000 अरब से 24,000 अरब पिछले 10 साल में हो गए, उसके ऊपर उन्होंने एक डेट कमीशन भी बनाया, और इस दौर में ये जो पिछले 6,000 से 24,000 अरब जो कर्जा गया था उसमें चल रहे हाफिज शेख साहब के फाइनेंस जो है वो भी आपके बराबर में मौजूद हैं, तो उस डेट कमीशन का क्या हुआ, क्या उसकी फाइंडिंग्स थी, क्योंकि वो कर्जा 24,000 से अब 42,800 अरब क्रॉस कर चुका है। इमरान मियां मैंने आपको पहले बताया, मेरे ख्याल में एक सवाल मेरे से डेट कमीशन के ऊपर हुआ था, मैंने कहा रिपोर्ट अभी नहीं आई, जैसे आएगी वो आपसे शेयर हो जाएगी, और ये भी पता चल जाएगा कि हमारे दौर में जितना बढ़ा है क्या वो उतनी तेजी से बढ़ रहा है जितना पहले बढ़ा था, वो भी सामने आ जाएगी। एक और आप सवाल पूछ रहे थे, जी बोले सर, नून लीग का जो आज शौकत तरीन साहब सेमिनार था उसमें जो ज्यादा इल्जाम लगाए गए वो इन्फ्लेशन के हवाले से लगाए गए, और उसमें कहा गया कि बिजली और गैस की कीमतें दुगनी से भी ज्यादा बढ़ाई गई, चीनी आटा दालें और इस किस्म की चीजों के और कुकिंग ऑयल के आज बकायदा रेट पेश किए गए और रसीदें पेश की गई कि इनकी कीमतें भी 2.5 साल में डबल हुई हैं।
और इसके साथ ये भी कहा गया कि पेट्रोलियम पर पीडीएस जो 8 रुपए और 6 रुपए था पर लीटर वो इन्होंने 30 रुपए किया और चीनी पर जो जीएसटी था वो 8% से बढ़ाकर 17% किया गया। तो ये इकदाम थे जिनकी वजह से वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन आज भी जो डबल डिजिट है वो आइंदा साल भी जिस तरह आप कह रहे हैं 8.5% 9% ओके सर, सवाल पूछ लिया आपने, मैं जवाब दे देता हूँ। पहली बात जो है ये जो पीडीएल की बात करिए 30 रुपए, ये मिफ्ता इस्माइल साहब करके गए थे, मेरे बड़े यू नो अच्छे दोस्त भी हैं, वो करके गए थे। आज की डेट में वो जो है वो 30 रुपए नहीं है, 2 रुपए 3 रुपए भी नहीं है। हमने आपको देखा है पिछले महीने पूरे 1.5 महीने में हमने बढ़ाई नहीं और सारा पीडीएल हमने खत्म कर दिया। तो पहली बात तो ये, दूसरी चीज है कि प्राइसेस क्यों बढ़ गई है। जब आप कैपेसिटी पेमेंट दे रहे होंगे और बिलियंस ऑफ रुपीज में दे रहे होंगे, जब आपने जिन्होंने टैरिफ अपने वक्तों में बढ़ाए नहीं होंगे, और उसके बाद जब आपके पास ये सर्कुलर डेट जो है वो जीरो, इनके वक्त में 480 बिलियन था जो इन्होंने पहले दिन ही पिछली हुकूमत के खाते में 480 बिलियन जो है वो इन्होंने बजट में डाल दिया था। जीरो से 1.2 ट्रिलियन का जब आप करेंगे और हमारे पास ये तोहफा छोड़ के जाएंगे तो IMF क्या कहेगा। IMF ने 46% टैरिफ बढ़ा दिया उसका, बिजली का गैस का बढ़ा दिया, और ये उसके बाद ये डिवेल्यूशन हुई, उससे जो इन्फ्लेशन हुई है उसको हमने संभालने की कोशिश की है। इंटरनेशनल फूड प्राइसेस बढ़ गई हैं। दूसरा ये पीएमएल हुकूमत जो है इसने 4.5 मिलियन टन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है गंदम का उनके पास आया था, उन्होंने उठा के सारा का सारा बेच दिया, खर्च कर दिया। अब हम आए तो हमें गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ गई और इनकी एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटी आपने देखी सारा कुछ आप वी आर वर्किंग ऑन इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ दिस कंट्री। नेट इंपोर्टर बन गए हैं, हमें नेट एक्सपोर्टर बनना है, इसमें हम पूरा काम कर रहे हैं। जब ये होगा ये तो उससे कम होगी, इंटरनेशनल प्राइसेस कम होंगी उससे ये नीचे आएगी, और एडमिनिस्ट्रेटिवली हम बहुत कुछ कर रहे हैं जिससे ये नीचे आना शुरू हो जाएगी, आप देखेंगे अगले 2 महीनों में। वफाकी वज़ीरा शौकत तरीन हमाद अज़हर और मखदूम खुसरो बख्तियार एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कहा है उनकी जानिब से गया है कि पिछले कई माह से करंट अकाउंट सरप्लस है, हमारा मकसद टैक्स लगाना नहीं है, मज़ीद टैक्स लगाना नहीं है बल्कि टैक्स नेट को बढ़ाना है। इस नेट के अंदर हम ज्यादा